दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी पैनलिस्ट के लिए एक गुड न्यूज़ है। दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि ऑक्सीजन ग्रुप की तरफ से अब टाइम टू टाइम पे आउट आना स्टार्ट हो चुका है और इसका प्रूफ भी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मेरे टीम के लोगों ने अपने आईडी से जनवरी के महीने में विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाया था, उनका जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है कंपनी की तरफ से वेरीफाई करके अप्रूव कर दिया गया है और उनका जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया गया है। दोस्तों इसका लाइव प्रूफ आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि किसके आईडी में कितना अमाउंट क्रेडिट किया गया है और कब क्रेडिट किया गया है। तो दोस्तों अगर आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल लाइव देखना चाहते हैं तो आज के मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में मैं आपको पेआउट रिक्वेस्ट लगाने के कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करके अपने अकाउंट से विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाते हैं तो आपका पैसा 100% आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज के मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो को देखने के बाद मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम के लिए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले कंपनी की तरफ से जो भी पे आउट आए हैं उनका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप यहां पे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहां पे एक पीडीएफ ओपन कर लिया है। दोस्तों पीडीएफ में आपको सारी ट्रांजैक्शन डिटेल देखने को मिल जाती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पे पेमेंट का रिक्वेस्ट जो दिखा देता हूं कि इस आईडी से कब रिक्वेस्ट लगाया गया था पे आउट के लिए। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं 1 जनवरी 2021 को इस आईडी से पे आउट रिक्वेस्ट लगाया गया है कितने अमाउंट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2886 रुपये का पे आउट रिक्वेस्ट लगाया गया है। इनका जो टीडीएस 108 रुपये का टीडीएस कटा है और इनका जो नेट अमाउंट बना है वो है यहाँ पे 2633 रुपये। दोस्तों यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 2886 रुपये का पे आउट लगाया है, 108 रुपये का इनका टीडीएस कटा है और इनका जो नेट अमाउंट बना है वो है 2633 रुपये। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2633 रुपये इनके बैंक अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट कर लिया गया है इरोकेट मॉल ऑनलाइन एशिया की तरफ से। यहाँ पे डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2/2021 को। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 7464 रुपये का पे आउट यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्रेडिट किया गया है। अगला जो है इसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 15750 रुपये कंपनी की तरफ से क्रेडिट किया गया है बाय नेफ्ट के थ्रू इरोकेट मॉल ऑनलाइन एशिया। डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2/2021। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट जो है 1551 रुपये का पेमेंट कंपनी तरफ से क्रेडिट किया गया है, ये भी नेफ्ट के थ्रू ही क्रेडिट किया गया है इरोकेट मॉल ऑनलाइन एशिया। तो दोस्तों मेरे टीम में जितने भी लोगों का पेमेंट रिसीव हुआ है कंपनी की तरफ से उसका पेमेंट प्रूफ मैंने आज के इस वीडियो में आपको लाइव दिखा दिया है। दोस्तों अगर आपने भी अपनी आईडी से जनवरी के महीने में विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाया था तो आपका भी पैसा 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको पे आउट रिक्वेस्ट लगाने के जो टिप्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों यदि आप अपने अकाउंट से फर्स्ट टाइम के लिए विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाने वाले हैं तो आपको अपने आईडी पे दो बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात, दोस्तों आप जिस आईडी से विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाने वाले हैं फर्स्ट टाइम के लिए उस आईडी पे विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाने से पहले आपको केवाईसी डिटेल चेक करना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट और एफएससी कोड। दोस्तों इन चारों चीज़ों को आपको अच्छे से चेक करके वेरीफाई कर लेना है। यदि ये चार चीज़ें आपके अकाउंट पे सही है फिर जाके आपको उस आईडी से विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाना है तो आपका जो पैसा है कंपनी की तरफ से अप्रूव करके और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दूसरी बात, यदि आप अपने आईडी से फर्स्ट टाइम के लिए विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा रहे हैं और आपने उस आईडी पे ग्रामीण बैंक या कोई भी पेमेंट बैंक ऐड कर दिया है उसके बाद यदि आप उस आईडी से विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाते हैं तो आपका जो पे आउट है वो कंपनी की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पर ग्रामीण बैंक या किसी भी पेमेंट बैंक को एक्सेप्ट नहीं करती है। इस बात का आपको खास ध्यान देना है। तो दोस्तों बस यही थे दोनों टिप्स जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया। दोस्तों यदि आप इन दोनों टिप्स को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट से विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाते हैं तो आपका जो पैसा है 100% आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को ये चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से पता चल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।